खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 49 सेलिब्रिटीज ने मॉब लिंचिंग को लेकर के चिंता जताते हुए ओपन लेटर लिखा था, जवाब सेलिब्रिटीज की तरफ से यह है। 61 सेलिब्रिटीज ने भी ओपन लेटर लिखा और सेलेक्टिव जो नैरेटिव है उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। क्या कहेंगे? देखिए, ये हरकतें कोई नई नहीं है और पुरानी है, और खास तौर पे अब चुनाव से पहले ये हरकतें होती थी, अब चुनाव जीतने के बाद पहली बार हुई हैं। और उसका कारण है कि ये अभी जो पॉपुलर मैंडेट है जिसके अंदर लोगों ने भरोसा और विश्वास जताया, उसके खिलाफ कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स एक राजनीतिक मुहिम चला रहे हैं और उस राजनीतिक मुहिम में तमाम तरीके के लोग शामिल हैं। और वो जो तमाम तरीके के लोग हैं वो कोई देश के हित में काम कर रहे ऐसा नहीं है। कई लोग गुमराह होके कर रहे हैं, कई लोग कम समझ से कर रहे हैं, कई लोगों को सिलेक्टिव चीज़ें परोसी जाती हैं। मेरा इस विषय में यही मानना है कि इस देश में ना तो कानून की कमी है, ना ही ऐसे जो ऑफेंडर्स हैं उनसे डील करने की कमी है। मर्डर से लेके और मर्डर के क्राइम का जो सज़ा है वो सब उपलब्ध है, लेकिन जो सिलेक्टिव आउटरेज है उसके साथ ये भी है कि देश के अन्य कानून हैं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाने का भी कानून है, गोश्त के लिए मांस के लिए गाय को नहीं मारने का भी कानून है, और जो इलीगल स्मगलिंग मतलब उसके लिए ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं वो एक अलग जगह है, लेकिन इलीगल जो काम इस देश में चल रहा है, जो स्मगलिंग का चल रहा है, जो तमाम तरीके की गलत चीज़ें चल रही हैं, जो बार बार लोगों को गुमराह कर रही हैं, वो सब चीज़ों के खिलाफ भी कानून है। तो वो शायद इनको उतनी समझ कि मुझे कई बार लगता है कि कई बार वो सब चीज़ों की जानकारी के अभाव में इस तरीके के भावनात्मक विचार प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, और ये नहीं समझ आता कि पूरी दुनिया में कोई भी देश हो उसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, हर समाज की होती हैं। मतलब मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ नागालैंड है जहाँ पर कुत्ते का मांस खाया जाता है, नागालैंड ज्योग्राफिकल एंटिटी है, आप अमेरिका में जाके खा के दिखाइए ना, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही तमाम तरीके के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक छोटे हिस्से को ब्लो अप करके बड़ा कर देना, उसकी तह तक नहीं जाना, जानकारी का अभाव रखना, ये सब विषय हैं जो मुझे लगता है एक व्यापक रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि जो लोग ना समझी में कर रहे हैं वो भी ठीक हों। आजम खान साहब ने तमाम देवी के खिलाफ जो टिप्पणी की जब वो चेयर पर थी, और आजम खान साहब अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आजम खान साहब का जो सोचने का तरीका है वही ख़राब है। अगर वो ठीक होता तो ये बात मुँह से नहीं निकलती, और अगर इस तरीके की बात की है तो उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का कानून का क्लास मिलना चाहिए। और मैं स्पीकर महोदय से दरख्वास्त करने जा रही हूँ कि इस तरीके के जितने सांसद हैं उनको तो क्लास करवाना ही चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देश का कानून क्या है और महिलाओं के प्रति क्या भाव रखना चाहिए। कि कुछ लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास ये प्रधानमंत्री का नारा है और इसी पे देश आगे चल रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो ये कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग को और ये सब लेकर के जो सरकार पर हमारे आरोप लगाए थे, आक्षेप लगाए थे, मैंने तब भी कहा था ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग हैं। इनकी पूरी जांच अगर करेंगे तो इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं तो आतंकवादियों से भी जिनका कनेक्शन है, ऐसे लोग भी हैं उसमें। तो मैंने ये भी कहा था कि इस देश में लगभग 860 ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कहीं चले जाएं तो लोग टूट पड़ते हैं, और वो सब नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और इस सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं। उसी में से आज 62 लोगों का ये जो पत्र है ये उसी की पूर्ति करता है। देखिए, ये जो लोग रह रहे के पूर्वाग्रह से ग्रस्त सवाल उठाते हैं ना, वो लोग निगेटिव लोग हैं, वो लोग उन लोगों का मूल जो है वो देश विरोधी लोग भी हैं, ऐसा भी मैं शंका रखता हूँ। और 62 लोगों का अचानक पक्ष में पत्र लिख देना यही बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है उसका पीछे किसी ने नहीं किया। और हम ऐसे और भी आप लोगों को देखेंगे जो ट्वीट करेंगे, पत्र लिखेंगे, हम सही दिशा में चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास,
ये अगर कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है, इसलिए हम निगेटिव लोग और पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना है। हमें उन पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है जो अभी तो 62 हैं, ये सैकड़ों की संख्या में आएंगे और हम आपके सामने रखेंगे।